बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। हम आज स्पैगेटी बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक पैकेट स्पैगेटी का चाहिए, एक भड़ी शिमला मिर्च चाहिए, 250 ग्राम मुझे बोनलेस चिकन चाहिए जिसकी हमने ये स्ट्रिप्स काट लेनी है, एक भड़ा प्याज चाहिए, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए और 2 टेबल स्पून सब्ज़ धनिया चाहिए, 2 टेबल स्पून मायोनीस और 2 टेबल स्पून क्रीम के चाहिए, 2 सब्ज़ मिर्चें चाहिए तेज़ वाली, 2 टेबल स्पून सिरका, 4 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/4 टी स्पून नमक और 1/4 टी स्पून हमें वाइट पेपर चाहिए। पानी गर्म हो चुका है स्पैगेटी बॉईल करने के लिए, इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक का ऐड करेंगे और स्पैगेटी डाल देंगे। ये जैसे जैसे बॉईल होती जाएंगी खुद ही पानी में एडजस्ट हो जाएंगी, इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही सॉफ्ट होके नीचे बैठ जाएंगे। स्पैगेटी बॉईल हो चुकी हैं, अब हम इनका पानी ड्रेन करेंगे। पैन में हम 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और इसमें हम अपनी चिकन डालकर चिकन फ्राई करेंगे। चिकन को हम स्टीर फ्राई करेंगे। चिकन फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, सिरका ऐड करेंगे और चिली सॉस ऐड करेंगे। चिकन में तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम वेजिटेबल ऐड करेंगे, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, इन सबको हम थोड़ा सा स्टीर फ्राई करेंगे और स्टीर फ्राई करने के बाद हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। सब्जियां स्टीर फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इसमें स्पैगेटी मिक्स करेंगे, मायोनीज और क्रीम साथ ऐड करके इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। स्पैगेटी को हमने क्रीम, मायोनीज और वेजिटेबल के साथ मिक्स कर लिया है, अब हमने डिश आउट कर लिया है और ये बहुत मज़े की स्पैगेटी बनी है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें और मुझे फीडबैक दिया करें, आपके फीडबैक में हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जज़ाकअल्लाहु खैरन कसीरा।